अगर आप Pinterest पर नए हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से पिंट्रेस्ट पर आप एक बेसिक पिन क्रिएट करते हैं या मैं कहूं कि किस तरह से आप पिंट्रेस्ट पर एक पिक्चर या एक वीडियो को पोस्ट करेंगे हेलो एवरीवन, आई हरमीत कौर वेलकम यू ऑल ऑन डब्लू एस क्यूबेक So, इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं कि एक पोस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं पिंट्रेस्ट पर यानी एक पिंट्रेस्ट पर पिन कैसे करते हैं जो कि लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो राइट right? यहाँ पर हम कोई टिप्स एंड ट्रिक्स की बात नहीं करेंगे सिंपली मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एक पिन कैसे करते हैं पिन में आप अपना कैसे उससे रिलेवेंट लिंक अटैच कर सकते हो और किस तरह से एक वीडियो भी पोस्ट कर सकते हो राइट right? जो भी हमारा एस वाला पार्ट है यानी जहां पर हम टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे कि किस तरह से हम हाई ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं आ, बूस्ट कर सकते हैं अपने पोस्ट को तो वो उसके लिए एक अलग वीडियो है तो आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम क्रिएट करना सीखेंगे एक पिन को चलिए तो इस तरह से ये आपकी प्रोफाइल है राइट ये हमारा ऑफिशियल पेज है डब्ल्यू एस क्यूबेक का एक बहुत ही सिंपल मैं आपको पिन करना सिखाने वाली हूँ पिन आपका होगा यहाँ पर क्रिएट वाले में ठीक है आप यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे तो बिजनेस के साइड में ही बिजनेस हब होम फीज के पास में ही आपका क्रिएट का ऑप्शन है क्रिएट में आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे कि क्रिएट पिन जो कि एक नॉर्मल पोस्ट होगा जिसमें एक आप एक वीडियो या फिर एक इमेज को पोस्ट कर सकते हैं सेकेंड आपका ऑप्शन है क्रिएट एन आइडिया पिन अब आइडिया पिन क्या होता है इसकी हम बाद में बात करेंगे पहले हम क्रिएट पिन पर जाएंगे ठीक है बेसिक समझ रहे हैं पहले हम क्योंकि अभी अभी हम प्रिंटरेस्ट पर नए हैं तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ एबीसी सीख रहे हैं सो क्रिएट पिन पर हम जाएंगे यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताने वाली हूं अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि मैं किस तरह का पोस्ट यहां पर करूं राइट right? अच्छा अब यहां पर ना एक तो क्रिएट अ पिन ऑप्शन है कि आप खुद का पिन एक क्रिएट कर सकते हो लिंक को अटैच कर सकते हो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है सेव फ्रॉम वेबसाइट आप यहां पर भी जा सकते हो इस पर हम बाद में आएंगे सबसे पहले हम क्रिएट अ पिन पर जाते हैं ठीक है चलिए सो सबसे पहले ना मैं क्या अपलोड करने वाली हूं ये कहीं ना कहीं रिलेटेड होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है मेरा गोल क्या है कि मैं अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आना चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल ये मेरा गोल है कि मैं अपनी वेबसाइट पर चाहती हूँ या मेरे पर्टिकुलर पोस्ट पर जाती हूँ एक अच्छा ट्रैफिक आए पिंट्रेस्ट से ठीक है ओके सो इसीलिए मैंने जैसे ये मेरा एक वेबसाइट है डब्ल्यू एस क्यूब चेक डॉट ब्लॉग्स यहाँ पे हमारे ब्लॉग्स हैं जैसे कोई भी हम रैंडम एक ब्लॉग ले लेते हैं जैसे ये वाला ब्लॉग है मोस्ट आज डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन विद आंसर्स थर्डी प्लस मोस्ट आज डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन ये मेरा एक ब्लॉग है ठीक है सो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है आए ना पिंटरेस्ट से वो इस ब्लॉग पर आए या फिर इस वेबसाइट पर आए अगर वेबसाइट पर आए तो डायरेक्ट आप वेबसाइट का यू कॉपी कर सकते हो लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है ना वो इस पर्टिकुलर ब्लॉग पर आए जो मैंने रिसेंटली पोस्ट किया है ओके चलिए सो तो ये मेरा गोल हो गया ओके okay, सो तो ये मेरा ब्लॉग है यहाँ पर काफी सारे इन्फॉर्मेशन है तो मैं क्या करूंगी ये वाली जो इमेज मैंने यहाँ पोस्ट करी है ना वही मैं पिंटरेस्ट पर पोस्ट करने वाली हूँ ठीक है सो तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप भी आप कर सकते हैं या फिर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से स्टोरेज खुल जाएगी स्टोरेज में ये देखिए यहाँ पर मैंने पहले से इमेज सेव करके रख रखी है और इसको मैं क्या कर लूंगी यहाँ पर इस तरह से ओपन कर लूंगी ठीक है तो so, यहाँ पर यूजुअली थाउजेंड टू फिफ्टीन हंड्रेड पिक्सल का हमारा इमेज होना चाहिए बट हमारी जो इमेज है वो ट्वेल्व हंड्रेड टू सिक्स एट है तो बट दैट्स ओके वो पोस्ट हो जाएगा कोई इशू नहीं आएगा ठीक है सो ये मैंने यहाँ से हमारी पिक्चर ले ली जो कि सेम पिक्चर है जो यहाँ पर है ओके चलिए जी अब यहाँ पर बात आती है योर टाइटल अब आपके पास एक तो ऑप्शन है कि आपने पहले वेबसाइट बना ली उस पर ब्लॉग्स पोस्ट कर दिए डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया आप प्रिंटरेस्ट पर भी आकर आप वही काम कर रहे हो देखिए इतना टाइम हमारे पास नहीं है तो हम सीधा जाएंगे हमारे उसी ब्लॉग पर और यहाँ से हम ये जो इस इस वाली जो ब्लॉग है इसका जो हेड है यहाँ से कुछ की उठा लेंगे ठीक है वैसे की एनालिसिस जब हम करेंगे एस में तब मैं वहाँ पर आपको डिटेल में आ, कीवर्ड एनालिसिस के बारे में कुछ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी बट यहाँ पर मैं जैसे कुछ इतना बड़ा हेड नहीं रखते हम हम कुछ सिंपल रख लेते हैं कि लाइक ये हटा दिया मैंने डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स ये मैंने छोटा सा हेड रख दिया फिर यहाँ पर है आप, आपका डिस्क्रिप्शन ठीक है सो ये टोटल हंड्रेड कैरेक्टर्स में होना चाहिए लेकिन अगेन जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ एंड बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंडेबल रखिए ओके चलिए सो मैं पूरा का पूरा जो यहाँ पर मेरा डिस्क्रिप्शन था उसमें मैं पूरा ही वो टाइटल यहाँ पर पुट कर दूंगी उसके अलावा आपको अगर मन है तो आप और भी इसमें एडिशन कर सकते हैं हैशटैग्स कर सकते हैं हैशटैग्स की कीवर्ड्स एनालिसिस की बात ना मैं SU वाले वीडियो में करूंगी तो वो वीडियो बिल्कुल मत मिस कीजिएगा चलिए अब भी यहाँ पर एक ऑप्शन है एड ऑल टेक्स्ट यानी ठीक है इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि जब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का डिस्कवरी हुई थी ना कि हाँ लोगों को टेक्स्ट की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि जो विजुअली इंपेयर लोग होते हैं यानी जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो आपको पता है जब उनको सर्फिंग करनी होती है ब्राउजिंग करनी होती है तो देर देर आर सो मेनी एप्लीकेशन जो कि पूरा जो पेज है पूरा जो भी आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है वो आपके लिए पढ़ देती है तो वो लोग क्या करते थे रीड करते थे राइट right? तो so जब ये रीडिंग होती थी तो टेक्स्ट तो हमारे कंप्यूटर ने या सॉफ्टवेयर ने क्या कर दिया पढ़ दिया मतलब बोल दिया उनको बता दिया कि ये लिखा हुआ है लेकिन जो इमेज होती थी ना उसको कैसे रीड करें ठीक है इमेज तो हमें पता ही नहीं इमेज को तो हम रीड नहीं कर सकते राइट right? क्योंकि ये तो एक फोटो है तो इसीलिए इस फोटो पर किसी भी इमेज पर या फिर किसी वीडियो पर हम ऑल्ट टेक्स्ट डालने लग गए जिससे कि जब भी हमारा कोई भी एप्लीकेशन स्पेशली फॉर जो ब्लाइंड लोगों के लिए है वो जब इसको रीड आउट करे तो वो एक्सप्लेन कर दे जैसे कि कोई पिक्चर है उसमें एक मैन है जो कि ट्री के नीचे खड़ा है ठीक है so, सो वहां पर हमने ऑल्ट टेक्स डाल दिया अ मैन स्टैंडिंग अंडर अ ट्री ठीक है सो जब भी उस पोस्ट पर वो हमारी ऐप जैसे ही स्क्रॉल करेगी तो वो उस ब्लाइंड पर्सन को बता देती थी कि इमेज जिसमें एक ट्री है उसके नीचे एक पर्सन खड़ा है ठीक है ये ऑल टेक्स्ट का जो स्टार्टिंग जो इनोवेशन हुआ था वो इस तरह से हुआ था लेकिन ऑल टेक्स्ट को अब हम अपने बेनिफिट के लिए यूज करने लग गए कि जब गूगल का या फिर किसी भी सर्च इंजन का हमारे पास जब क्रॉलर आता है तो उसे कैसे पता है इस इमेज के अंदर क्या है ठीक है तो इसीलिए हम ऑल टेक्स्ट डालने लग गए कि ऑल टेक्स्ट को वो रीड करे और जब वैसा रिलेवेंट सर्च वहां पर हो रिलेट की वर्ड वहां पर हो तो वो हमारी इमेज image को इमेजेस में शो कर दे तो यही चीज हम पिंटरेस्ट पर करने लग गए ये जो हमारा ऑल टेक्स्ट है देखिए एक्सप्लेन वॉट पीपल कैन सी इन दिस पिन इस पिन में लोग क्या देख पा रहे हैं वो आपको क्या करना है यहाँ पर पोस्ट करना है ठीक है चलिए सो so, मैं ये जो सेम मैंने हेड किया है ना वैसे मैं इसके बारे में भी आपको और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ एस वाले वीडियो में सो so, यहाँ पर मैं रैंडमली क्या कर रही हूँ यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स तो अगर गूगल पे भी कोई क्या करेगा सर्च करेगा ना कि डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स तो भी उसको इमेजेस में हमारी ये वाला पोस्ट दिख जाएगा और वहीं से ही जैसे ही वो क्लिक करता है तो हमारे ब्लॉग पर पहुंच जाएगा और वहीं से हमें क्या मिलेगा ऑर्गेनिक ट्रैफिक ठीक है ये हमने कर दिया अब आता है एड अ डेस्टिनेशन लिंक जो कि एक पिन को क्रिएट करने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये कभी भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ सबसे अलग बनाता है ना प्रिंट्रेस्ट में जो सबसे यूनिक चीज है वो आई गेस यही है कि यहाँ पर हमें हर पोस्ट के साथ में हर पिन के साथ में हर वीडियो के सामने साथ में एक लिंक अटैच करने का ऑप्शन मिलता है तो मैंने क्या किया जहां पर भी ये मेरा ब्लॉग पोस्ट है उसके यूआरएल को मैंने कॉपी कर लिया एंड मैं वापस आती हूँ प्रिंट्रेस्ट पर और मैं यहाँ पर डेस्टिनेशन लिंक पर इसे पोस्ट कर देती हूँ ठीक है अब जब हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन है पब्लिश इमीडिएटली या फिर पब्लिश एट अ लेटर डेट अगर आपको इमीडिएटली पोस्ट करना है तो आप अभी कर सकते हैं नहीं तो आप पब्लिक पब्लिश एट अ लेटर डेट भी कर सकते हैं जहां पर आपको ऑप्शन मिलेंगे डेट मिलेगी और टाइम मिलेगा तब ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली आप भले सो रहे होंगे प्रिंटरेस्ट बंद होगा कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो भी यह अपलोड हो जाएगा ठीक है सो तो ये एक अच्छा ऑप्शन है लेकिन हम पब्लिश इमीडिएटली करेंगे पब्लिश इमीडिएटली करने के बाद में यहाँ नीचे कोई ऑप्शन नहीं है आपको जाना है वापस स्क्रॉल अप करना है यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके बोर्ड आपका रिलेवेंट बोर्ड होना चाहिए अगर आपको लगता है कि मुझे पिन इन्हीं किसी बोर्ड में सेव करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं नहीं तो आप क्रिएट अ बोर्ड भी कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट एक बोर्ड करना चाहती हूँ जैसे डब्ल्यू एस क्यू चेक ब्लॉग ओके सो मैंने ये कर दिया और मैंने ये बोर्ड को क्या कर दिया क्रिएट कर दिया ओके बोर्ड क्रिएट हो गया और यहाँ पर ये यह आ गया देख सकते हैं आप इस तरह से कि क्यूब टेक बोर्ड अब जैसे ही मैंने ये किया मैं पब्लिश पर क्लिक कर दूंगी और ये जो आपकी इमेज है जिस पर आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन एड की है इतना लिंक आपने एड किया है वो क्या हो जाएगा आपका पब्लिश हो जाएगा ये देखिए सेव टू डब्ल्यू एस टेक ब्लॉग यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सी इट नाउ मैं इसको अभी देखना चाहूंगी तो ये देखिए कोई भी पर्सन अगर आपके इस पोस्ट तक पहुंचता है तो उसे ही कुछ इस तरह से दिखेगा यहाँ पर हमारा हेड आ जाएगा इस तरह से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा ठीक है और ऑल तो डायरेक्ट इसी के अंदर गुट हो गया ओके अब इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि कोई भी पर्सन आता है मेरे इस पोस्ट तक पहुंचता है और यहां पर क्लिक करता है एक ही क्लिक से हाँ जस्ट उसने एक क्लिक किया और वो कहा पहुंच गया देखिए मेरे ब्लॉग पर पहुंच गया मेरे ब्लॉग पर और यहीं से ही अगर मान लीजिए पचास लोग भी मेरे इस पोस्ट तक पहुंच पाते हैं उसमें से थर्टी भी अगर इसको यहाँ पर क्लिक कर देते हैं या फिर डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं मान लो उन्होंने टैप ही किया तो उन्हें क्या हो जाएगा मेरी वेबसाइट खुल जाएगी और वेबसाइट ही नहीं बल्कि वो पर्टिकुलर चीज जो मैं अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहती हूँ वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि पिन को क्रिएट करके हर एक पिन में हम एक लिंक एक कोई भी यू कोई भी प्रोडक्ट कोई भी वीडियो कोई भी इंस्टाग्राम पोस्ट भी यहाँ पर हम पोस्ट कर सकते हैं ठीक है अच्छा अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास ना एक वेबसाइट होनी चाहिए अगर हम प्रिंट्रेस यूज करना है तो ये कई कॉमेंस आए थे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जब मैं पर्सनल लेवल पर ना प्रिंट्रेस यूज कर रही थी तो मैं पता क्या पोस्ट करती थी यानी ये लिंक में मैं अपना जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल होती थी ना वो मैं यहाँ पर पोस्ट करती थी लिंक में सो so, अगर कोई भी पर्सन मेरी किसी इमेज को मेरी अपलोड की गई किसी इमेज को अगर क्लिक करेगा तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे पहुंच जाता था तो वहां से फ्री फॉलोवर्स मिल जाते थे एक रीच मिल जाती थी राइट right? सो so, आप समझ सकते हैं कि ये कितनी कन्वीनियंट चीज है और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो अब पोस्ट है ना ये पूरे वेब पर चला गया इवन अगर गूगल पर भी कोई पर्सन सर्च करता है ना कि वट आर द मोस्ट आज डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स तो चांसेस हैं कि मेरा ये जो पोस्ट है ना वो इमेजेस में शो हो जाए और जब इमेजेस में शो हो जाएगा तो वहां पर कोई भी क्लिक करके मेरे इस वेबसाइट पर पहुंच जाएगा और वहीं से हमें क्या मिलेगा फ्री रीच ऑर्गेनिक रीच अब जिस तरह से हमने एक नॉर्मल पिक्चर पोस्ट की ना वैसे ही हम एक वीडियो भी पोस्ट कर सकते हैं राइट सो सेम यहाँ पर आपको क्रिएट पर क्रिएट uh, पिन पर जाना है यहाँ पर आपको ड्रैग करनी है अपनी वीडियो या फिर आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं जैसे ये हमारी एक वीडियो थी यहाँ पर गणेश चतुर्थी थी आपको पता है हैप्पी गणेश चतुर्थी टू यू ऑल थोड़ा लेट हो गया बट ये हमारी वीडियो थी तो मैं इसको यहाँ पर अपलोड कर दिया मैंने ठीक है यहाँ से आप कवर वीडियो कवर इमेज देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने कोई भी कवर चूज कर लिया राइट चलिए टाइटल में मैं जैसे कुछ भी लिख देती हूँ कि हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ठीक है तो इस तरह से हमने वीडियो भी बहुत ही आसानी से यहाँ पर पोस्ट हो जाती है ऑल टेक्स्ट में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ गणेश चतुर्थी विशेष ठीक है सो अगर कोई पर्सन सर्च करता है गूगल पर गणेश चतुर्थी विशेष तो दे आर आर चांसेस कि मेरी भी जो आ, पोस्ट है ये वाली ये वीडियो है ये वहां पर आ जाएगी ठीक है एवरी वन यहाँ पर आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं यहाँ पर अब आप टैग्स कर सकते हैं राइट सो टैग्स की भी बात मैं करने वाली हूँ एसई वाले पार्ट में उसके अलावा एक डेस्टिनेशन लिंक आप डेस्टिनेशन लिंक देखिए पर्टिकुलर ब्लॉग तो मेरे पास नहीं है बट मैं पूरी की पूरी जो मेरी वेबसाइट है राइट right? पूरी पूरी वेबसाइट है मैं वेबसाइट पर चली गई यहाँ पर मैं जो मेरे कंपनी की जो पूरी कंप्लीट वेबसाइट है उसका मैं लिंक डाल देती हूँ मेन पेज का और यहाँ पर ये मैंने पोस्ट कर दिया राइट पब्लिश इमीडिएटली हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर डब्ल्यू एस टेक मोटिवेशन में मैं एक बार ऐड कर देती हूँ नहीं तो हम विशेज में भी कर सकते हैं ओके सो ये यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही इजीली पोस्ट हो जाएगी आपको कुछ भी कस्टमाइज नहीं करना पड़ेगा क्वालिटी इशू यहाँ पर कोई भी नहीं है और जो स्केल है यानी आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो वो भी अभी हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम इमेजेस को वीडियोस को हम पोस्ट कर सकते हैं तो ये देखिए बहुत ही इजीली हमारी जो वीडियो है वो भी यहाँ पर पोस्ट हो गई ठीक है और वीडियो पर जब मैं क्लिक करती हूँ मेरे पोस्ट पर तो इस तरह से ये वीडियो आ गई राइट और जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया राइट या फिर इस लिंक पर क्लिक किया तो मेरी जो मेन वेबसाइट है राइट आप देख सकते हैं उसका लिंक यहाँ पर खुल चुका है ठीक है चलिए सो so, ये हमारा एक पोस्ट हो गया चलिए एक और पोस्ट मैं आपको करके बता देती हूँ वहां पर मैं आपको स्केलिंग बता दूंगी चलिए सो so, जैसे ये वाला एक हमारा ब्लॉक का ही आइडिया है लाइक दिस ओके सो कोई भी साइज आप ले सकते हैं कि आप पोर्ट्रेट फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर थंबनेल इस तरह से हमारा जो है ले सकते हैं आप ठीक है पोर्ट्रेट भी हो सकता है लैंडस्केप भी हो सकता है यहाँ पर आप इसको एडिट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कई सारे ऑप्शन हो जाएंगे कि आप क्रॉप कर सकते हैं इसे किसी भी साइज में ठीक है या फिर ओरिजिनल रख सकते हो आप इसको उसके अलावा एडजस्ट कर सकते हो जैसे कि सारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होता है इंस्टाग्राम पे हो, होता है उसके अलावा इमेज को चेंज कर सकते हो या फिर और कुछ भी ऐड कर सकते हो इसमें और अपडेट चेंजेस करने के बाद में सेम प्रोसेस हम इसको पब्लिश कर देंगे यहाँ बोर्ड्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना क्योंकि इंस्टाग्राम की तरह यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कैटेगरी में सेव कर दिया तो इंस्टाग्राम उसे कंसिडर नहीं करेगा लेकिन यहाँ पर बोर्ड्स को काफी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इट डजेंट मैटर आपका पोस्ट भले ही आपने सब कुछ टाइटल भी बहुत अच्छा डाला है डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छा डाला है लेकिन साथ साथ में आपको बोर्ड भी रिलेवेंट होना चाहिए ठीक है सो मैं बस ऐसा नहीं कि रेंडमली मैं किसी भी बोर्ड में पुट कर दूं और मैं सोचूं कि मुझे रीच मिल जाएगी ऐसा नहीं होता जैसे डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड है तो मैं डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ही किसी बोर्ड में इसको पुट करूंगी तभी ये मेरा पोस्ट चलेगा ठीक है तो इस तरह से हमने क्या कर दिया पब्लिश कर दिया ठीक है अभी मैंने कोई टाइटल ऐड नहीं किया जस्ट टू शो यू की किस तरह से हम कर सकते हैं ओके okay. अच्छा अब यहां पर कुछ हैं जो पोस्ट करने के बाद भी आप चेंज कर सकते हैं जैसे आप ये पोस्ट पर ही आप डॉट्स पर, पर जाएंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एडिट पिन का और काफी सारे इस इमेज को आप डाउनलोड भी कर सकते हो चलिए सो so, एडिट पिन जब हम करते हैं तो वापस से हमारे पास सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि आप अपना टाइटल चेंज करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन या फिर ऑल टेक्स मतलब हर एक चीज को जो आपने स्टार्टिंग में करी ना उसको आप क्या कर सकते हो एडिट कर सकते हो ठीक है अपना सेक्शन भी इवन बोर्ड्स के अंदर भी आप और सेक्शन बना सकते हो ओके okay? सो so ये हम सेव करके और वापस हमारा पोस्ट यहाँ पर आ जाएगा चलिए अब वापस चलते हैं हम हम अपनी प्रोफाइल पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हमने रिसेंटली पोस्ट किया था ये रहा हमारा पोस्ट राइट सो आइडियाज में भी आप देख सकते हो या फिर सो so आपने यहाँ पर देखा कि कितना इजीली हमने एक पिन को क्रिएट करना सीखा और ये भी सीखा कि किस तरह से बहुत ही इजीली हम अपने लिंक को किसी भी लिंक को किसी भी वेबसाइट को किसी भी वीडियो को किसी भी पोस्ट को हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं तो कोई भी पर्सन आपके पोस्ट तक पहुंचता है वो एक ही क्लिक से जहां आप उसे पहुंचाना चाहते हो जिस यू पे पहुंचाना चाहते हो वहां पर वो पहुंच जाएगा आपके ब्लॉग पर या फिर आपकी वीडियो पर आपने यहाँ पर डेमो देखा इफ दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो पोस्ट क्रिएट करने में पिन क्रिएट करने में तो मुझे कॉमेंट कर देना आई एल डेफिनेटली रिप्लाई एंड थैंक यू सो मच